इधर अवैध ऑनलाइन ऐप्स पर अब रोक लगा दी गई है, ऑनलाइन लोन ऐप्स पर रोक लगाई गई है। बता दें कि 2000 ऑनलाइन ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर ने हटा दिया है। ऑनलाइन लोन ऐप को लेकर ये कार्रवाई की गई है। बता दें कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की सख्ती के बाद गूगल ने ये कार्रवाई की है। ट्रस्ट एंड सेफ्टी हेड सैकत मित्रा ने इसकी जानकारी दी है। ज्यादा ब्याज दरें, प्रोसेसिंग फीस पर ये लोन देते हैं और ऐसे में कई लोग इन लोन के जाल में फंसकर अपनी जान भी गंवा देते हैं। ऑनलाइन लेंडिंग को लेकर कई शिकायतें मिली थी। आरबीआई की गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले इन लोन ऐप्स पर कार्रवाई की गई। तो बता दें कि हाल ही में इंदौर में एक परिवार ने ऑनलाइन लोन के जाल में फंसकर खुदकुशी की थी। पूरा परिवार इस लोन के कारण खत्म हो गया था, जिसके चलते अब 2000 से ज्यादा ऑनलाइन लोन ऐप्स पर गूगल प्ले स्टोर ने कार्रवाई की।